Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about redemption of debentures. We are going to discuss methods of redemption of debentures and the theoretical concepts related with the redemption of debentures. So let's start the video. Everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the redemption of debentures, and we are going to discuss the theoretical concepts regarding debentures, which are the various methods used for redemption of the debentures. So सारे points redemption of debentures के बारे में हम discuss करने वाले हैं. तो video start करने से पहले I am also a verified educator on Unacademy platform. तो अगर आपने अनएकेडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज डाले हैं अबाउट दी ऑडिटिंग, अबाउट HRM एक्सेट्रा. सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो. कोर्स को रेट रिव्यू करें एज वेल एज वहाँ पे आपको सारे कोर्सेस एक लाइन में मिल जाएंगे. उस कोर्सेस के अंदर एनरोल करने के बाद एक सारे लेसन्स मिलेंगे. तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू स्टडी फॉर इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिबेंचर्स का रिडम्पशन हमें करना है, और डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए हम क्या नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. रिडम्पशन रेफर्स टू रीपेमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड द टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स. अभी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स ये पॉइंट हमें डिस्कस करने कि कितने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं एज वेल एज टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स अगर हम बोले तो इट कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिडम्पशन होने वाला है. इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब वो जब तक कंपनी चलेगा तब तक वो डिबेंचर्स हम लोग हमारे पास रख सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट वेरियस वेज इन विच डिबेंचर्स आर रिडीम. तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज है उसमें हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं. सो विच आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज इन विच रिडम्पशंस कैन बी डिबेंचर्स कैन बी रिडीम, वी विल डिस्कस नाउ. फर्स्ट मेथड इज रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. सो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड. तो इसमें क्या होता है, डिबेंचर्स में भी रिडीम आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स. तो डिबेंचर्स कैपिटल से भी रिडीम हो सकता है एज वेल एज प्रॉफिट से भी रिडीम हो सकता है. ऑन रिडम्पशन द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड आउट ऑफ कैश और बैंक अकाउंट. तो डिबेंचर्स अगर कैपिटल से रिडीम हो रहा है तो उससे हम हमारे बैंक बैलेंस से या हमारे पास जितना कैश अवेलेबल है उससे हम रिडम्पशन कर लेंगे. बट दिस विल रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल अवेलेबल विद द कंपनी. तो कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल होगा which will be required for managing the routine activities, वो working capital कम हो जाएगा. So redemption of capital में क्या होता है कि जितना capital available है, जितना cash available है, उसी से हम redemption कर रहे हैं. So that will create a problem and that will have the reduction in the working capital. If no amount is set aside out of profits for such redemption is said to be out of capital. अगर हमने कुछ छोटा सा भी amount set aside नहीं किया है, पूरे का पूरा पैसा कैपिटल से ही कंट्रीब्यूट करके रिडम्पशन कर लिया है, या हमारे पास जितना कैश अवेलेबल था उसी से हमने रिडम्पशन किया है, तो ऐसे मेथड को बोला जाएगा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स वी आर नॉट सेटिंग असाइड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड वी आर डूइंग द रिडम्पशन डायरेक्टली थ्रू कैपिटल, बट विच विल क्रिएट अ बर्डन ऑन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी. The second important method is redemption out of profits. तो redemption out of profits में क्या होता है कि when adequate profits are transferred to a reserve, हम लोग specific profits जितना हम earn करेंगे उसमें से कुछ percentage of profit हम reserve में transfer करेंगे. और ये reserve में transfer करने का क्या benefit है, reserve में अगर हम transfer करेंगे तो वही profit से हम redemption के लिए पैसा use कर पाएंगे. तो व्हेन एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट्स टू अ रिजर्व अकाउंट,
बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सच रिडम्पशन इज सेट टू बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स. तो इट्स वेरी सिंपल. इफ वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट विच वी आर अर्निंग टू रिजर्व एंड दैट अमाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन पर्पज, इट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. एंड इफ वी आर नॉट ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू रिजर्व एंड वी आर यूजिंग द कैपिटल फॉर द रिडम्पशन पर्पज, इट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में CRR क्रिएट करते थे, वैसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कॉल्ड एज DRR वो भी क्रिएट करेंगे. तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या DRR ये कैसे क्रिएट होता है, तो वो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स अ कंपनी टू क्रिएट DRR ऑफ एन अमाउंट एटलीस्ट इक्वल टू 25%. 25% लेकिन किसका, 25% ऑफ द टोटल, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स दैट आर रिडीमेबल बाय इट. तो जितना भी रिडम्पशन हो रहा है उसका फेस वैल्यू का एटलीस्ट मिनिमम 25% DRR क्रिएट करना कंपलसरी है एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 के बेसिस पे ये दिया गया है कि द कंपनी हैज़ टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एटलीस्ट 25%. सो दो मेथड्स अभी तक हमने डिस्कस किए, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड इज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. द थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड मेथड. सिंकिंग फंड मेथड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड. तो सिंकिंग फंड एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड मेथड में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को सेट असाइड करते हैं. हम समझो से फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपीज प्रॉफिट सेट असाइड किया, तो वो जो प्रॉफिट हम सेट असाइड करने वाले हैं वो हम कहीं कंपनी के बाहर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे फॉर स्पेसिफिक पीरियड. से फॉर एग्जांपल हमें 10 साल के बाद रिडम्पशन करना है, तो हम 10 साल तक हम लोग प्रॉफिट सेट असाइड करने वाले हैं और वो प्रॉफिट को हम कंपनी के बाहर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो अगर हम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा. सो वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाएगा और हर साल हम इन्वेस्टमेंट्स का जो परचेज है वो जितना भी प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड करके इन्वेस्टमेंट्स परचेज करते जाएंगे और एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर हम सारे इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे और जितना पैसा हमारे पास आएगा उस पैसे से हम रिडम्पशन करेंगे. दैट इज कॉल्ड अ सिंकिंग फंड. तो व्हेन द अमाउंट ऑफ DRR इज इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज आउटसाइड द कंपनी, अ सिंकिंग फंड और अ डिबेंचर रिडम्पशन फंड कैन बी क्रिएटेड. सो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि जो भी प्रॉफिट हम सेट असाइड करने वाले हैं उसे हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम होगा और टाइम के बाद हम वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे और वहाँ से जितना भी कैश आएगा पैसा आएगा दैट विल बी यूज फॉर रिडम्पशन पर्पज. दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड मेथड. एंड द लास्ट मेथड इज कॉल्ड एज कन्वर्जन मेथड. सो कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, कन्वर्जन मेथड में जो डिबेंचर होल्डर्स होता है उनको कंपनी ऑप्शंस देता है. कंपनी विल प्रोवाइड देम ऑप्शंस. अभी ऑप्शंस कंपनी विल डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन देना है. से फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन दिया प्रेफरेंस शेयर्स का. सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रेफरेंस का, सेकेंड ऑप्शन कंपनी ने दिया डिबेंचर्स का और थर्ड ऑप्शन कंपनी बोलता है आई विल गिव यू कैश. सो ऑप्शन नंबर 1 दिया था प्रेफरेंस, ऑप्शन नंबर 2 दिया है डिबेंचर्स एंड ऑप्शन नंबर 3 दिया है कैश. सो कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड यू ऑप्शंस. अब डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर है कि उनको कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करना है. इफ सम डिबेंचर होल्डर से दैट वी वॉन्ट प्रेफरेंशियस, दे विल गो फॉर प्रेफरेंशियस, दैट डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इन टू प्रेफरेंशियस. Some debenture holders will say that we don't want preferences, we want only the debentures, but the interest percentage will change, it is okay for us. तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हमको debentures के बदले में debentures ही चाहिए, उनको भी company option दे रहा है debentures का, तो वो लोग debentures ले लेंगे. अभी कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ना हमें preferences चाहिए ना हमें debentures चाहिए, हमको तो हमारा भाई cash दे दो, इतने साल हमने investment कर लिया अभी हमको cash की ज़रूरत है. तो उनको कंपनी कैश का भी ऑप्शन देता है, इसीलिए कैश रिडम्पशन भी अवेलेबल होगा.
सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पॉइंट. तो यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स के जो डिबेंचर्स है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं. वी आर कन्वर्टिंग इनटू प्रेफरेंशियस, वी आर कन्वर्टिंग इनटू डिबेंचर्स, वी आर कन्वर्टिंग इनटू कैश ऑल्सो. सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंशियस एट प्रीमियम, डिस्काउंट में भी कन्वर्ट हो सकता है डिबेंचर्स, एंड अकॉर्डिंगली कैश रिडम्पशन भी आएगा. सो यहाँ पे क्या है, व्हेन द डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन ऑप्शंस टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू अदर सिक्योरिटीज और रिडम्पशन इन कैश, इट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन बाय कन्वर्जन. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितने मेथड्स पढ़े, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिंकिंग फंड मेथड और कन्वर्जन मेथड. सो दिस इज द थेरोटिकल फैक्टर्स रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इसके बेस पे फिर जर्नल एंट्रीज होंगे, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा अबाउट जर्नल एंट्रीज, कौन से मेथड्स में कैसे जर्नल एंट्रीज आपको करने हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करना, एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनको भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस, तो आपको जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे नोटिफिकेशंस आ जाएगा. टिल देन बाय बाय.